डॉक्टर शुभम, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इन कोर्स फ्लो की कुछ एप्लीकेशन के बारे में। उस एप्लीकेशन में हमने दो एप्लीकेशन देखी, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में, दूसरा था एक प्लेन सिट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उस फील्ड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ओके, एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसकी वजह से कोई तीन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, तो फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, क्या यूज करना है, तो गॉस लॉ यूज करना है। ओके, हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन लेके आए इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्फेरिकल सेल किसको बोलते हैं। तो स्फेरिकल सेल मतलब जिसका आउटर लेयर ही हो, ओके, इनर पार्ट पूरा होलो हो, मतलब मास कहाँ पे होगा, तो कि आउटर सरफेस पे ही मास होगा, और जहां पे मास होगा वहीं पे चार्ज होगा, मतलब इनसाइड मास नहीं है तो वहां पे चार्ज नहीं होगा, हमें पता है। तो जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज हो सकता है। ओके, तो मतलब मेटल आउटर लेयर पे ही है तो वहां पे ही चार्ज रहेगा, इनर का जो भी कोर है वो सर्फेस होलो है। ओके, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सेल की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, ओके, जिसका रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल आर जितना, इसका रेडियस है कैपिटल आर जितना, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सरफेस पे ही हुआ है, मतलब क्यों, क्योंकि इनसाइड पूरा होलो है, कोई मैटर नहीं है तो चार्ज वहां पे स्टे ही नहीं करेगा। ओके, जहां पे मास होगा तो वहां पे चार्ज रह सकता है। ओके, तो इनसाइड पूरा होलो है, कोई मैटर नहीं है तो चार्ज रह ही नहीं सकता, मतलब ये पूरा होलो स्फीयर ले सकते हैं, तो पूरा सेल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सरफेस के ऊपर, तो कौन सी डेंसिटी आएगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या रहते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, जो तो अपर लिमिट एरिया का इधर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों इतना सपोज करते हैं। तो इसके वजह से हम तीन अलग अलग लोकेशन में, ये आउटसाइड अंदर सरफेस और इनसाइड, तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर वन जो है ऑन द सरफेस आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड ऑन द सरफेस पे इनसाइड, तो फर्स्ट आउटसाइड। ओके, तो आउटसाइड के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपना सेल है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ऑनली सरफेस के ऊपर। ओके, थ्री डी में इमेजिन करना है हमें, रेडियस कितना है तो क्या कैपिटल आर जितना, और हमें आउटसाइड के कोई पॉइंट पी के पास फील्ड निकालना है ड्यू टू ये सेल। ओके, तो हमें पता है कि गाउस लॉ जो है वो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब वहां पे कोई गाउसियन सरफेस हो, मतलब जहां पे भी फाइंड करना हो हमें फील्ड, उस पॉइंट को हमें क्या करना होगा, एक क्लोज सरफेस के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस के लिए हम क्या लेंगे, तो एक इमेजिनरी एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस लेंगे जिसको बोला जाता है गाउसियन सरफेस, ये है अपना गाउसियन सरफेस। ओके, क्लियर है। अभी हमें इस पॉइंट के पास ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, सेल के सेंटर से, वो हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर जितना, यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड पे नहीं गए। ओके, अभी यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट है गाउसियन सरफेस का, तो एरिया एलिमेंट ये है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब मैं एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से जो फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो रेडियल आउटवर्ड, तो इस गाउसियन सरफेस पे फील्ड कैसे होगी, तो के परपेंडिकुलर सरफेस से, मतलब मैं एरिया वेक्टर और जो अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ओके, ये पॉइंट पी के पास, ओके, सबसे पैरेलल होगा, मतलब एंगल कैसा होगा जीरो। तो हमें अभी गॉस लॉ अप्लाई करके, गॉस लॉ अप्लाई करके हमें सेल के वजह से जो चार्ज सेल की वजह से फील्ड मिलती वो निकालना है, तो उसके लिए हमें पता है हम क्या अप्लाई करते, तो एक फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था, तो गॉस लॉ के अंदर फ्लक्स के ऊपर से निकालते हैं, उसमें हम लिखते थे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड
with Gaussian surface. तो वो दो तरीके से निकाल सकते हैं फ्लक्स, एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स और दूसरा है फोर्स अप्लाई करके, दोनों को कंपेरिजन करके हम फिर निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, तो फाइव इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला हमें बताया. ओके, इस फॉर्मूले में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. ओके, तो देखोगे फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा वेक्टर निकाले, डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कोस थीटा आता है, वो हमें पता है. ओके, अभी ई और डी ए है उन दोनों के से मैंने कैपिटल ए लिया, यहां पर मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, अभी ये कैपिटल डी ए है, ये अपना क्या है, क्योंकि एरिया वेक्टर था. ओके, ये फील्ड है तो दोनों के बीच, दोनों पहले लगे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो. और कोस जीरो कितना होता है, वन. तो फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इंटू वन. ओके, तो फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहां पर देखो कि फील्ड सभी जगह पे कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इंटीग्रेशन से हम बाहर लिखते कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट का गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा. किसका एरिया टोटल, तो कि गॉसियन सरफेस का. ओके, तो वो एरिया क्या होगा, पूरा स्फेरिकल है, ओके, थ्री डी में इमेजिन करना है, टू डी नहीं है, पूरा थ्री डी है, मतलब स्पीयर है. तो स्पीयर का एरिया क्या होता है, तो फोर पाई. अभी यहाँ पे आर कौन सा लग रहा है, रेडियस कौन सा लग रहा है, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि ये आर ले रहे कैपिटल आर. हमने जो गॉसियन सरफेस का एलिमेंट लिया है तो एरिया भी किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का ही आएगा. तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा एरिया लिखेंगे हम, तो गॉसियन सरफेस का, इससे रेडियस कौन सा आएगा, स्मॉल आर. और स्पीयर का जो एरिया होता है वो फोर पाई आर स्क्वायर होता है. ओके, क्लियर यहां तक. तो ये फ्लक्स हमें मिला, इसको इक्वेशन नंबर वन देते हैं बाय द डेफिनेशन. अभी जाते हैं अकॉर्डिंग टू कोस लॉ. तो वो क्या है, तो फ्लक्स फाइव इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या फ्लक्स मिलेगा. ये हमने दोस्तों में देखा, तो नेट चार्ज कितना है ये गॉसियन सरफेस के अंदर, तो हमने कंसिडर किया था कि पूरे सरफेस के ऊपर क्यू जितना चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू जितना, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इस इक्वेशन को नंबर टू दे दो. तो कंपेरिजन करते हैं इक्वेशन वन और टू का फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी गेट ई इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, सिंप्लीफाई करें, ई को सब्जेक्ट बना दे, फोर पाई आर स्क्वेयर को डिनोमिनेटर में रह दे, तो क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट. ओके, और सिंप्लीफाई करें तो ई इक्वल्स टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखता है, तो के के क्यू बाय आर स्क्वेयर वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू ए क्यू बाय आर स्क्वायर. डायरेक्शन कौन सी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, मतलब आर के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर कैरेट हम डिनोट करेंगे. ओके, ये डायरेक्शन हो. अभी आप देख सकते हो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के वजह से आपने फील्ड निकल दी, वैसा ही कुछ दिख रहा है. ओके, मतलब मैं आप जब सरफेस के ऊपर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेल के ऊपर, तो उससे आउटसाइड के पॉइंट पर फिर निकालोगे तो वो पूरा चार्ज के सेंटर पे होगा, ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा. और आपको जो फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा वो पॉइंट चार्ज का वजह से मिलता था वैसे मिलता है, देखो यहाँ पे. ओके, तो अभी ये तो हुआ फर्स्ट केस. सेकंड केस लेते हैं ऑन द सरफेस. ओके, सेकंड केस की बात कर ले हम, केस नंबर टू ऑन सरफेस. ओके, डायग्राम किस तरीके रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपने, तो ये अपना सेल, सेल के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ओके, रेडियस हमने कंसीडर की कैपिटल आर सेल का. ओके, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो भी यहाँ पे ही है सरफेस पे, मतलब में जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है स्मॉल आर वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर. तो अपना जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल आर को स्मॉल आर की जगह पे, तो अपना इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में, तो ये आपको क्या मिला ऑन द सरफेस। ओके स्टूडेंट, अभी केस नंबर थ्री देखते हैं। केस थ्री कौन सा? ये केस नंबर थ्री वो है आपका इनसाइड द सरफेस, सॉरी इनसाइड द सेल, इनसाइड की बात करें तो ये अपना सेल है। जब अपना पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज ये सरफेस के ऊपर है। ओके, रेडियस कैपिटल आर। अभी हमें फाइंड करना है इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना, तो ये सेंटर से डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं जो अपना ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि जहां पे भी फील्ड निकालना होता है वहां पे हम क्या सपोज करते हैं, तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं गॉसियन सरफेस, जिसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूं। ओके, ये अपना गॉसियन सरफेस है। ओके, अभी इनसाइड में निकालना है तो पहले तो हमें पता है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद गॉसियन सरफेस या तो क्लोज सरफेस की बात करें तो वो अपने पास होता है बाय द डेफिनेशन की बात करें पहले तो लिख दे टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गॉसियन सरफेस, तो वो होगा एक तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ये फर्स्ट स्टेप। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। ओके, अभी यहां पे देखो ई और डी ए है वो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, तो देखो यहाँ पे हम एलिमेंट एरिया वेक्टर एक ऑप्शन सरफेस का, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी डी ए। फील्ड की डायरेक्शन देखो तो फील्ड ये रेडिएट आउटवर्ड होगी सरफेस से, तो यहाँ पे होगी इससे, तो मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा 180 होगा। ओके, तो कॉस 180 होता है, कॉस 180 इक्वल्स टू माइनस 1, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 ले लेते हैं, तो फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, माइनस 1 है लेकिन हम मैग्नीट्यूड के टर्म में ले रहे हैं तो प्लस 1 लिया हमने। अभी फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे डी ए का, तो हमें मिलेगा फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू ई ए, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो हमने फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस बाय द डेफिनेशन निकाला, अभी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। वो क्या है, क्योंकि फ्लक्स फाइव इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड में चार्ज कितना है यहाँ पे, इनसाइड में चार्ज क्यू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या मिलेगा 0। तो कंपेरिजन करो इक्वेशन 4 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या होगा, फ्लक्स फाइव ए इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि एरिया का ऑप्शन सरफेस का कुछ ना कुछ मिलेगा, रेडियस आर है यहाँ पे। ओके, 0 क्या होगा, तो फील्ड 0 होगा, तो E इक्वल्स टू 0, मतलब इनसाइड में फील्ड आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो ये हमने निकाला स्फेरिकल सेल के वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलते हैं यूज किया हमने गॉस लॉ। ओके, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो कर सकते हैं, हमें ग्राफिकल दिखाना हो फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, तो E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करें, तो E को कहां लिखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और R को एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को, तो हमें पता है कि इनसाइड है। ओके, ये सेंटर है, सेंटर से इनसाइड तक 0 फील्ड, फिर जब अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट रेडियस के बराबर जब सरफेस पे आ जाए तब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलती है, मतलब मैक्सिमम मतलब कितनी, तो के ई मैक्स इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर आउटसाइड पे जाएंगे हम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है 1/r² के रिलेशन में, जब हमने यहाँ पे देखा। ओके, कहाँ गया, ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये आउटसाइड में, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए। ओके स्टूडेंट।